प्रोफेसर मनोज झा। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया आपके वहाँ होने के लिए भी। बस मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब ये कहना मुश्किल हो जाता है जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर, आइज और नोज। ये मसला यस और नो का नहीं है माननीय उपसभापति जी, ये मसला हमारे देश की तारीख से जुड़ा हुआ है। ये मसला इस बात से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था, कैनवस बड़ा होगा आकृति बड़ी होगी। बड़ा कैनवस है लेकिन आकृति छोटी गढ़ी जा रही है, और ये इतिहास स्मरण करेगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक उसका शीर्षक है, क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में, जब आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पता नहीं देवता रम करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा, घरेलू हिंसा देखी, सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा, जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है। तो मुझको लगता है ये जो विरोधाभासी चरित्र है हमारे देश का, इस विरोधाभासी चरित्र पर भी बात होनी चाहिए। आज काफी सारी महिलाएं हैं, पत्रकार भी इस दर्शक दीर्घा में, इनको भी ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ सरोकार हैं। इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये श्लोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दें जो संविधान से आती है। मैडम, संविधान राइट्स की बात करता है, अधिकार की। हमारी वोकैबुलरी को क्या होता जा रहा है, अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं वो दया की श्रेणी में बात होती है, अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी। माननीय डिप्टी चेयरमैन मैम, चेयरपर्सन मैम, सॉरी, एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन 2008, हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जनरल सीट्स, 84 एससीज, 47 एसटीज। अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, 84 और 47 के अंदर 1/3 कर रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें एससी एसटी और ओबीसी की व्यवस्था हो। क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूं, हर महिला के को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है, ये आप भी जानती हैं, और खास करके पिछड़े वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं, उनका डिप्रिवेशन और वल्नरेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होती है। हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है, हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता, अगर आप पहुंची तो बिना हैंड होल्डिंग के, लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या, जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म ग्रंथों में कोई व्यवस्था है और ना आज की समकालीन बातचीत में कोई व्यवस्था है। रेटोरिकली हम कुछ भी कह दें, मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना होगा कि हमारी पार्टी, आज मैं स्मरण कर रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भगवतिया देवी, कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाली, हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली, वहां से गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची। क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई, फूलन देवी आ पाई? वो इसलिए नहीं आ पाई कि हम आपको दोष नहीं देते हैं, हमारी व्यवस्थाएं संवेदन शून्य है। मैं तो आग्रह करूंगा तमाम साथियों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए। ये ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा अगर हमने आज इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में फासला नहीं होना चाहिए, और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग। मैडम, आप, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच रही हो, तो आज मैं आग्रह करूंगा तमाम साथियों से, चिंता ना करिए दलीय व्हिप की, दलीय व्हिप
समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं, आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमिटी में भेज करके एससी एसटी और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज आप हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया, ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इसे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपको कहूं कि कोटा विद इन कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट ने 89 में दिया, इंटरसेक्शनैलिटी। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी को, चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आज मैंने सुबह इसका अनुवाद बहुत ढूंढा, उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि हम हर लेयर की एजेंसीज और उसके अंदर की क्या विधाएं हैं उसके आधार पर अपना चरित्र एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को यह देखना होगा। जो खास करके वंचित समाज की महिलाएं हैं, मैं उनके बारे में कहूं, आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा। अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठें तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 33% के को एग्जिस्टिंग में मत इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट शुड बी सेपरेट, नई व्यवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग एससीज एंड एसटीज। ये करिएगा तो क्रांतिकारी कदम होगा। अक्सर हम लोग अपने प्रिविलेजेस को नहीं देखते हैं। मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है, नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है, हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिए हैं। उन सरनेम्स को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, ऐसे ऐसे मैं बहुत अच्छा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैम चेयरपर्सन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिविलेज का जो व्याकरण है वो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। और एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, 31 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने संविधान बनने से बहुत पूर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हम काहे को अटके पड़े हैं 33 पर? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता, ये 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र बदल जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि भगवतिया देवी यहां आए, हमेशा एक खास सरनेम। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो अलग अलग दलों में भी हैं, अगर वो पहुंचे हैं यहां तक अपने संघर्ष से, तो उनको आज यह आवश्यकता है, उनको यह भरोसा दिलाया जाए कि ऐसी कोई चीज आगे नहीं होगी, सबके लिए खुलेगा। आपकी ये जो नई पार्लियामेंट है हमारी, ये रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें हमने एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की बात की थी। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वर्ग चरित्र बदले, संसद सचमुच में प्रतिनिधित्व की संस्था बने जिसमें सबके आकार हों, सबकी शक्लें हों, ये ना हो कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर छाप रहे। अब मैं कहूं कि अभी जातिगत जनगणना, कल शाम के बाद मैम चेयरपर्सन अब मैं आपका अटेंशन चाहता हूं, कल शाम के बाद इस देश में लोकसभा में बिल पास हुआ उससे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है ओबीसी के साथ नाइंसाफी हुई।
इस बात की चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना पर क्यों ब्लॉक किया जा रहा, और मैं ये कह रहा हूं हमारे सीएम नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराया 28 अगस्त को, मेरे पास दोनों एफिडेविट है। पहली एफिडेविट कौन लेके गए, सरकार तुषार मेहता खड़े होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी लाइक सेंसस और एक्टिविटी अकिन टू सेंसस। लेकिन शाम तक जब अप्रोर होता है, दूसरी एफिडेविट आती है, कहती है गलती से वो पैराग्राफ लग गया था। सरकारें ऐसी गलतियां नहीं करती हैं, ये मानस करवाता है, ये प्रेजुडिस माइंड करवाता है। मैम चेयरपर्सन, बस ज्यादा नहीं लूंगा, मैंने कई संशोधन दिए हैं, मैडम चेयरपर्सन मैंने कई संशोधन दिए हैं, उन संशोधनों पर भी सरकार विचार करे। हाथ जोड़ के कहता हूं आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से, आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, कैनवास पे बड़ी लकीर खींचिए। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन एक मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। श्री अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।